अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं तवा गोश्त। ये तवा गोश्त दाल चावल के साथ बेस्ट सर्व्ड है। हाफ कप तेल गरम हो गया है, इसमें अब हम डाल देंगे एक टीस्पून जीरा। फ्लेम स्लो कर देंगे। कुछ कड़ी पत्ते डाल देंगे। तीन मीडियम साइज कटी हुई प्याज डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पे कर देंगे फ्लेम को। प्याज में नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। सॉफ्ट होने तक प्याज को फ्राई कर लेंगे। तीन हरी मिर्चियों में मैंने कट लगा दिया है, अभी डाल देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज पिंक हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे पांच सूखी लाल मिर्ची, मैंने ग्राइंड कर दी है, ये डाल देंगे। आपको कम लेना है मिर्ची तो कम लीजिए। दो बड़े बड़े कटे हुए टमाटर डाल देंगे। एक टीस्पून हल्दी डाल देंगे। एक टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। एक टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे जब तक ये टमाटर गर्म नहीं जाता। हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे टमाटर के गलने तक। देखिए टमाटर गल चुके हैं, मसाला भी भून चुका है। इसमें अब डाल देंगे एक मुट्ठी कलिया। मिक्स कर लेंगे, फ्लेम स्लो कर दिया है। और एक मुट्ठी डाल देंगे कलियां, कम लग रहा है। कुटी हुई लाल मिर्च की जगह आप कश्मीरी लाल मिर्च लोगे तो अच्छा कलर आएगा। पानी डाल देंगे, फास्ट फ्लेम कर देंगे। मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे टमाटर गलने तक। हाफ कप हरा धनिया डाल देंगे।
मिक्स कर लेंगे। गैस ऑफ कर देंगे। इस तवा गोश्त को दाल चावल के साथ खाया जा सकता है। तवा गोश्त तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।